हाउडी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि यामाहा पहली बार लखनऊ में अपना कॉल ऑफ द ब्लू इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और उसी इवेंट में हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से अपने सर्विस सेंटर, क्योंकि वहीं पर सारे राइडर इकट्ठा होंगे और वहीं से हम लोग जाएंगे रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग लॉट, एक शहीद पथ के पास पड़ता है, तो वहीं पे हम लोग जाना है, वहीं पे ये इवेंट होगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन से राइडर्स आते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में कवर करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा। सो गाइज़, बने रहिए हमारे इस वीडियो पर और पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज़, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं सर्विस सेंटर और कुछ देर हम लोग वेट करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। कितने तो इकट्ठा हो गए, आ जाओ किनारे। हाय भैया। और सर, गुड मॉर्निंग भैया, बढ़िया। सो गाइज, यहाँ पे कई सारी बाइक्स आई हुई हैं, ये सभी अभी हम लोग के साथ राइड पे चलेंगे। हम लोग यामाहा के शोरूम के अंदर आ गए और यहाँ पे हम लोगों को अथवा नाश्ता दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ इस नाश्ते में क्या क्या है। ये बॉक्स दिया गया है खाने के लिए चलने से पहले, तो आइए इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो गाइस, इसमें एक नमकीन है फ्लेक्स की और एक हमारा स्लाइस है और बाकी मीठा है जो कि थोड़ा सा टूट चुका है और एक हमारे पास सैंडविच है। सो गाइस, ये हमें नाश्ता मिला है खाने के लिए और इन सबको खाने पीने के बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपनी राइड पर। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ शोरूम से निकल रहे हैं और अपने बाइक की तरफ जा रहे हैं। देखिए कितनी सारी बाइक्स यहाँ पे आई हुई है और कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो बस अभी हम लोग निकल ही रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये तो अभी हम लोग का ही सिर्फ है एरिया, बाकी अभी देखते हैं हम लोग आगे कौन कौन मिलते हैं। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सब अपने अपने साइलेंसर चला रहे हैं भाई, जमा जम। तो हम लोग की रैली यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, अब हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइज़, हम लोग यहाँ शहीद पथ के पास आ चुके हैं और अब यहीं से हमको सीधे
जाना है अपने पार्क। नई इवेंट की तरफ गाइस हम लोग थोड़ा रास्ते में भटक गए थे और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ अंदर पहुँच गए हैं। सो गाइस मुझे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो मुझे यहाँ पे गुडीज मिले हैं और ये है हमारा एक स्ट्रैप है और मास्क दिया है यामाहा ने और एक हमारा पैंट है यामाहा की तरफ से। बेहतरीन मतलब मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे यार आकर के, एक अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है। अभी तो हम लोग ने एंट्रेंस भी नहीं ली है बट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखिए आगे क्या क्या होता है। मेरे ख्याल से वो माय गॉड ये एक टैग भी है, की चेन भी है, सॉरी मैं दिखाना आपको भूल गया था। तो गाइस मैं आप लोग को अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम लोग को मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक भी मिली है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है राइडर्स के लिए। ये हमारा है ब्रीफिंग एरिया जहाँ पे हम लोग को ब्रीफिंग दी जाएगी कंपटीशन के लिए और यहाँ से हम लोग ब्रीफिंग लेके जाएंगे जिम खाना जहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होगा। उसमें हम आपको ट्रैक के बारे में बताएंगे कि आपके अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ट्रैक इतने सारे ट्रैफिक कोन रखे हुए हैं, कहाँ पे ड्राइव करना है, कहाँ जाना है, तो डोंट वरी वो हम आपको प्रॉपर बताएंगे ट्रैक के बारे में कि कैसे कैसे ट्रैक को हमने बनाया, आपको कैसे राइड। और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे यहाँ से यामाहा वालों की तरफ से एल्बो गार्ड और नी गार्ड दिए जाएंगे जो कि बाद में वापस ले लेंगे एज अ प्रोटेक्शन है। ये जिनके पास नहीं है उनको दिए जाएंगे, ग्लव्स वगैरह दिए जाएंगे, हेलमेट भी दिए जाएंगे। तो जो जिनके पास नहीं है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ यामाहा अवेलेबल करवाएगा।
सो गाइस मैंने सब गियर वेयर लगा लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस जोन में। प्रैक्टिस जोन में जाने के बाद हम लोग जाएंगे उधर कंपटीशन के जोन में। सो गाइस मैं जिम खाने के अंडर एंटर हो गया हूँ और यहीं पे मुझको कर्स वगैरह यहाँ पे जो इनका लैब दिया हुआ है ये मुझे मिनिमम टाइम में इसको कवर अप करना है। तो ये मेरा टास्क पूरा हो गया है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। सो गाइस अब मैं आया हूँ यहाँ स्टॉल पे टैटू बनवाने के लिए, जो कि यामाहा का कॉल ऑफ द ब्लू का टैटू है। बहुत ही बढ़िया टैटू बना है, मस्त लग रहा है एकदम। सो गाइस ये है नेक्स्ट इवेंट जिसमें हम लोग को इस स्टेप पे हम लोग को बैलेंस बना के स्लो बाइक चलानी है। पहली बार R15 वर्जन 4 ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ी सी ये ऊपर है, मतलब वर्जन 3rd से थोड़ी हल्की भी लग रही है मुझे तो। हाँ ये कंफर्टेबल भी है, मस्त है। सो गाइज ये है हमारी यामाहा की स्टॉल्स जहाँ पे उनके जर्मनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं परचेज के लिए, वो भी 5% डिस्काउंट के साथ। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, घर की ओर जा रहे हैं। बहुत ही फन इवेंट था, बिल्कुल मज़ा ही आ गया हम लोग को। और दो तीन इवेंट तो हम लोगों ने मैंने पार्टिसिपेट भी किया दो इवेंट्स में, और एक में मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा था और एक में मैंने अपना पैर रख दिया था तो उसके लिए मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, बट फिर भी मज़ा बहुत आया। बाकी अदर पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। हम लोग को मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक भी मिली और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो गाइस ये लखनऊ का पहला इवेंट था, कॉल ऑफ द ब्लू इवेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। तो यही कहूँगा अगली बार भी अगर आता है तो मैं फिर से यहाँ पे आने की कोशिश करूँगा। और मस्त एकदम ज़बरदस्त एकदम कर्रा इवेंट था, मतलब माइंड ब्लोइंग एकदम फैंटास्टिक। स्टॉल्स भी लगे हुए थे काफ़ी, फूड के भी स्टॉल्स थे और वहाँ पे एक्सेसरीज भी मिल रही थी यामाहा की ओरिजिनल, और टैटू भी हम लोगों ने बनवाया और खूब सारी मस्ती की, खूब सारे मजाक भी किए हम लोगों ने। सो गाइस आज के इस एपिसोड में इतना ही था, बहुत ही ज़्यादा फनी इवेंट था, बहुत मज़ा आया। और आप लोग भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, और ऐसे ही जुड़े रहिए गाइस मेरे चैनल के साथ और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, बाइक्स और फूड दोनों के ही। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।